हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ट्रैवलिंग ब्लॉग। आपने मेरे चैनल पर देखा होगा, मोस्टली ड्राइंग के वीडियोस हैं, बट आज मैं कहीं घूमने निकली हूँ तो मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग आप सबके लिए बना देती हूँ। हम गाँव से जा रहे हैं ऋषिकेश, तो रास्ते का मैं आपको दिखाती जाऊंगी, थोड़ी छोटी छोटी वीडियोस ऐड करके एक छोटा सा ब्लॉग मैं रेडी कर रही हूँ। मेरे साथ बने रहिए और एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ये देखिए, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, जो कि हमें सिटीज में देखने को नहीं मिलती है। हालांकि विलेजेस में डेवलपमेंट भी बहुत हो चुके हैं, आपको शॉप्स भी दिख रही होंगी, बट बीच बीच में ये जो खेत हैं, ट्रीज हैं, ये आपको सिटी में नहीं मिलते हैं देखने को। यहाँ से हरिद्वार 54 किलोमीटर दूर है, तो हम चल दिए हरिद्वार की तरफ। और यहाँ से आगे आएगा रेलवे क्रॉसिंग, ये घुमावदार सड़क, और ये देखिए रेलवे क्रॉसिंग, और ये बंद भी है और हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तब तक मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। वो है रेलवे ट्रैक, ये देखिए पूरा जंगल ही जंगल है। तो आगे का रास्ता हम फिर से तय करेंगे, और हम अभी तक वेट ही कर रहे हैं। ये देखिए ट्रेन आने वाली है और आपको उसका हॉर्न भी सुनाई दे रहा होगा। ये देखिए हमारी छुक छुक गाड़ी। काफी लंबी है ये, और ये है मालगाड़ी। इसके जाने के बाद ही ये क्रॉसिंग खुलेगी और हम आगे का सफर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, चली गई है और अब हम चलेंगे। हम चले ओए रामचंद्र रे, धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 सिटी बजाए रे। समर सीजन चल रहा है, आप सभी को पता है। और ये देखिए एक आम का पेड़ जो आम से लदा हुआ है, छोटे 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 इस पे ग्रीन मैंगोज आपको दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा जूम भी करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है आम की, फिर भी मुझे एक पेड़ दिख गया जिसपे ये पूरा भरा हुआ है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये पेड़। आगे भी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी इस ब्लॉग में, तो मेरे साथ बने रहिए। के दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, तो ये मैं आपको दिखाती हुई जा रही हूँ। हम बिल्कुल जंगल के बीच में चल रहे हैं, काफी दूर तक ऐसा ही रास्ता है। देखते रहिए, बहुत ही हरियाली है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज इसमें हैं। मुझे नाम तो इतनी जल्दी मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि बहुत दूर दूर भी हैं और इतनी वैरायटी तो मुझे पता भी नहीं है। बस ये है कि हम लोग चलते जा रहे हैं और हरियाली के बीच में चल रहे हैं, और ये थोड़ा जो रास्ता है वो ठंडा भी रहता है क्योंकि दोनों तरफ जंगल हैं। और आपको भी पता है पेड़ शांत करते हैं वातावरण को, हरियाली हमें आनंद देती है, तो यही देखते हुए हम चलते जा रहे हैं। और ये हम हरिद्वार की तरफ बढ़ते हुए, सामने देखिए छोटे छोटे आपको पहाड़ भी नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, थोड़ा सा ट्रैफिक भी ज्यादा है, और ये पूरा ही फॉरेस्ट एरिया है।
मैं आपको पीछे से भी दिखाती हुई आ रही हूँ। हमारे राइट साइड में फॉरेस्ट है और आगे छोटी छोटी पहाड़ियाँ। ये देखिए यहाँ पर एक प्रसिद्ध चंडी मंदिर है, चंडी देवी का। इसके लिए यहाँ से ट्रॉलीज जाती हैं और एक रास्ता भी आएगा, वहां से बाय फुट हम जा सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, भीड़ लगी हुई है, ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है। दूसरी साइड में दिखा देती हूँ आपको, यहाँ नीचे आगे गंगा जी भी दिखेंगे। पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है यहाँ से, ऊपर देखिए और बहुत ऊंचाई पर है वो मंदिर। मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि रश बहुत ज्यादा था वहां पर, तो वहां पर हम रुक नहीं पाए बिल्कुल भी। देखिए अभी भी आपको गाड़ियां दिख ही रही होंगी, छोटी सी रोड है और ट्रैफिक बहुत ज्यादा, और दोनों साइड पार्किंग भी है जहाँ पे लोगों ने अपनी गाड़ियां पार्क की हुई हैं। ये देखिए आगे से रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए यहाँ से पैदल भी मंदिर का रास्ता है। बहुत ज्यादा भीड़ है क्योंकि समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है। देखिए देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। हम थोड़ा सा ऊंचाई पर आ गए हैं और नीचे बहुत बड़ा फील्ड है। सामने जो आपको दिखाई दे रहा है एक लंबा सा पुल है, उसके बाद हरिद्वार स्टार्ट हो जाता है। यही वो पुल है जिसके दूसरी तरफ हरिद्वार स्टार्ट हो जाता है, इसको कहते हैं चंडी देवी का पुल, क्योंकि पीछे जो मैंने अभी आपको बताया था वो मंदिर चंडी देवी का था, और आगे जाके एक देवी और है मनसा देवी। आपको छोटा सा मंदिर है यहाँ से दिखाई दे रहा हूँ, देखिए मैंने जूम भी किया है। ये भी पहाड़ पर है, छोटी सी पहाड़ियाँ, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, तो इसके लिए भी ट्रॉली की सेवाएं हैं, बाय फुट भी जा सकते हैं और ट्रॉलीज भी चलती हैं। हरिद्वार में इस टाइम बहुत ज्यादा रश है, समर वेकेशन है क्योंकि। अभी मैं आपको गंगा जी के दर्शन भी कराऊंगी, पानी बहुत कम छोड़ा हुआ है गंगा जी में। ये देखिए जय हो गंगा मैया की। हरिद्वार के बीच में से निकलेंगे तो वहां पे भी जो जो चीजें इंटरेस्टिंग है मैं जरूर आपको दिखाऊंगी, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा प्लीज। और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मेरी ड्राइंग वीडियोस पसंद की जा रही हैं आप लोगों के द्वारा, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देख के, आपके व्यूज देख के। और ये देखिए ये है कुंभ नगरी हरिद्वार, मैं बोलती आ रही हूँ बहुत ज्यादा रश है, हम लोग भी ट्रैफिक में ही हैं। तो आपको गाड़ियां और बसेस दिखाई दे रही होंगी, कार्स एंड बसेस। ये देखिए ये आश्रम बने हुए होते हैं यहाँ पर बहुत सारे। सामने पहाड़ियां,
नजर आ रहा होगा, देखिए ये गंगा किनारे बसा हुआ हरिद्वार। पौड़ी फेमस है गंगा स्नान के लिए। और ये हम आ गए हैं योग नगरी ऋषिकेश। मैं मेन ऋषिकेश तो नहीं जा पाऊंगी क्योंकि उससे पहले ही हमारी डेस्टिनेशन पड़ जाएगी। तो यहीं तक की ये वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।